हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं दिसंबर 2019 का करंट अफेयर्स वन लाइनर में। ठीक है, नवंबर तक हम लोग देख चुके थे, इसमें बात कर लेते हैं हम लोग दिसंबर के बारे में। ठीक है, याद रखिए करंट अफेयर्स 2019 के नाम से जो प्लेलिस्ट में सूची बनी हुई है उसी में नवंबर तक पड़ा हुआ है। ठीक है, और भी टॉपिक पड़े हुए हैं, उन्हें भी देख सकते हैं। चलिए तो दिसंबर को देखते हैं। 1 दिसंबर 2019 को हज प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने वाला दुनिया का पहला देश बना भारत। 1 दिसंबर 2019 को देश की 24वीं महालेखा नियंत्रक का पदभार किसने ग्रहण किया? सोमा रॉय बर्मन ने। 1 दिसंबर 2019 को किस जाने माने पत्रकार का निधन हो गया? तो यह भास्कर मेनन। 1 दिसंबर 2019 को किस देश के प्रधानमंत्री आदिल अब्दुल मेहदी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? इराक। 1 दिसंबर 2019 को किस विषय के साथ विश्व एड्स दिवस मनाया गया? कम्युनिटीज मेक द डिफरेंस। 1 दिसंबर 2019 को कहाँ स्वदेशी विश्वास दिवस मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश में। 1 दिसंबर 2019 को से 10 दिसंबर 2019 के बीच 13वां दक्षिण एशियाई खेल कहाँ खेला गया? नेपाल में। 2 दिसंबर 2019 को भारतीय कप्तान विराट कोहली आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में 928 अंक के साथ किसे पछाड़कर शीर्ष पर पहुंच गए? स्टीव स्मिथ को। आगे बात करते हैं, 2 से 5 दिसंबर 2019 तक फिट इंडिया प्लॉग रन का आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। 2 दिसंबर 2019 को भारत की किस स्टार पहलवान ने पंजाब के जलंधर में सीनियर कुश्ती राष्ट्रीय चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो याद रखना, विनेश फोगाट एवं साक्षी मलिक। 2 दिसंबर 2019 को हॉर्नबिल महोत्सव के 20वें संस्करण का शुभारंभ हुआ है नागालैंड में। 2 दिसंबर 2019 को 22वां शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक प्राइज 2019 किसने जीता है? अंग्रेजी लेखक टॉनी जोसेफ की अर्ली इंडियंस ने। 2 दिसंबर 2019 को किसने यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो यह उर्सुला वॉन डेर लेन। 2 दिसंबर 2019 को किसे सर्व सम्मिति से एशियन डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष चुना है? तो याद रखिए, मत्सुगु अस्कावा जापान के। 2 दिसंबर 2019 को मॉरिशस के नए राष्ट्रपति चुने गए पृथ्वीराज सिंह रूपन। 3 दिसंबर 2019 को विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक भोपाल गैस त्रासदी की कौन सी वर्षी पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए? 35वीं। 3 दिसंबर 2019 को किस बैलिस्टिक मिसाइल का उड़ीसा तट के पास डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप पर एकीकृत परीक्षण रेंज में एक मोबाइल लॉन्चर से सफल प्रशिक्षण किया गया? अग्नि 3। 3 दिसंबर 2019 को सरकार द्वारा देश के दुर्गम और क्षेत्रीय इलाकों में संपर्क और बढ़ाने के लिए किस क्षेत्रीय संपर्क योजना के 4वां संस्करण को शुरू किया गया? तो उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, 3 दिसंबर 2019 को संसद के दोनों सदनों ने किन दो देश केंद्र शासित प्रदेशों का विधेयक 2019 पारित किया है? तो याद रखना, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और द्वीप का। अभी कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो आपको याद रखना है 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तीन दिसंबर 2019 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस का वर्ष 2019 का विषय क्या था? विकास एजेंडा 2030 से संबंधित कार्यवाही में दिव्यांग जनों की सहभागिता और उनके नेतृत्व को बढ़ावा देना।
3 दिसंबर 2019 को हॉलीवुड की जानी मानी किस अभिनेत्री का निधन हो गया? तो याद रखना, सैली मॉरिसन। 3 दिसंबर 2019 को गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ENC ने अपना नया CEO किसे नियुक्त किया? सुंदर पिचाई को। 3 दिसंबर 2019 को की गई घोषणा के अनुसार भारत के पहले समुद्री संग्रहालय की स्थापना की जाएगी गुजरात के लोथल में। 3 दिसंबर 2019 को भारतीय सेना की सामरिक बल कमान ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण ओडिशा तट पर चांदीपुर में समकित परीक्षण रेंज से किया? पृथ्वी सेकंड। ठीक है, 4 दिसंबर 2019 को कौन सा दिवस मनाया गया? भारतीय नौसेना दिवस। कौन सा? भारतीय नौसेना दिवस। 4 दिसंबर 2019 को किस पुरुष खिलाड़ी ने वर्ष 2019 से सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बेलन डी और पुरस्कार जीता है? तो अमेरिका की मैगन रिपिनो ने। ठीक है, याद रखिए। आगे है, 4 दिसंबर 2019 को इंग्लैंड के किस पूर्व कप्तान एवं तेज गेंदबाज का थायराइड कैंसर से निधन हो गया? योर बेलिस। 4 दिसंबर 2019 को पेटा का पर्सन ऑफ द ईयर 2019 अवार्ड से किससे सम्मानित किया गया? जोकर के नाम से प्रसिद्ध अमेरिकी स्टार जोकिन फिनिक्स को। 4 दिसंबर 2019 को इकोनॉमिक टाइम्स लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से किससे सम्मानित किया गया? पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली को, स्वर्गीय। ठीक, 4 दिसंबर 2019 को फिल्म फेयर ग्लैमर एंड स्टाइल अवार्ड 2019 के तहत दीवा ऑफ द ईयर तथा मोस्ट स्टाइलिश स्टार अवार्ड किसे दिया गया? क्रमशः मलाइका अरोड़ा और आलिया भट्ट। 5 दिसंबर 2019 को चालू वित्त की 5वीं द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक कहाँ हुई, जिसमें प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया? मुंबई में। 5 दिसंबर 2019 को देश का पहला ईट राइट स्टेशन कौन बनाया, जिसे भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने 4-स्टार रेटिंग दी है? मुंबई सेंट्रल रेलवे। आगे बात करते हैं, 5 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ष 2020 को कौन सा वर्ष घोषित किए जाने की प्रसन्नता जाहिर की है? नर्स और फिश वाइफ वर्ष, फिड वाइफ वर्ष। 5 दिसंबर 2019 को किस थीम के साथ विश्व मृदा दिवस मनाया गया? तो स्टॉप सॉइल इरोजन, सेव आवर फ्यूचर। 5 दिसंबर 2019 को किसके जन्मदिन को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया गया? थाईलैंड के राजा भूमिबोल अदुल्या देज के। 5 दिसंबर 2019 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस का वर्ष 2019 के लिए थीम क्या है? वॉलंटियर फॉर एन इंक्लूसिव फ्यूचर। 5 दिसंबर 2019 को वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहाँ राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद सम्मेलन के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली में। 5 दिसंबर 2019 को किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों की सहायता में मधु ऐप लॉन्च किया है? ओडिशा सरकार ने। 6 दिसंबर 2019 को भारत में पहला पशु किसान क्रेडिट कार्ड कहाँ वितरित किया गया? भिवानी हरियाणा में। 6 दिसंबर 2019 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहाँ भारत की पहली हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल परियोजना का उद्घाटन किया? हरिद्वार में। 6 दिसंबर 2019 को मुंबई के भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम कोर्ट ने विजय माल्या के बाद किसे दूसरा भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया है? नीरव मोदी। 6 दिसंबर 2019 को क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंग्स स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को। 7 दिसंबर 2019 को भारत चीन के बीच 8वां संयुक्त शिक्षण अभ्यास हैंड इन हैंड
2019 कहाँ शुरू हुआ है? मेघालय के उमरोई में। 7 दिसंबर 2019 को किस अभिनेत्री को यूनिसेफ की ओर से डेनी काय मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रियंका चोपड़ा। 7 दिसंबर 2019 को किस स्विस खिलाड़ी के सम्मान में एक सिक्का जारी किया गया? टेनिस स्टार रोजर फेडर। 7 दिसंबर 2019 को गूगल प्ले ने 2019 वर्ष की सर्वश्रेष्ठ ऐप के लिए किसे चुना है? फिट ऐप शिल्पा शेट्टी ऐप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। अगला होगा, 8 दिसंबर 2019 को की गई घोषणा के अनुसार 10 दिसंबर से भारत एवं रूस के बीच संयुक्त इंदिरा 2019 अभ्यास कहाँ किया जाएगा? बबीना झांसी में और पुणे और गोवा में। ठीक है, 8 दिसंबर 2019 को कोस्टा रिका गणराज्य में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? उपेंद्र सिंह रावत। 8 दिसंबर 2019 से शुरू तीसरे ICC पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के दौरान पुरुषों के इंटरनेशनल वनडे की पहली महिला रेफरी कौन बनी? GS लक्ष्मी। 8 दिसंबर 2019 को दुनिया के किसी भी देश की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री किसे चुना गया? फिनलैंड के प्रधानमंत्री साना मारिन। 8 दिसंबर 2019 को किसने मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब जीता है? दक्षिण अफ्रीका की जॉर्जी वीना टुंजी ने। 9 दिसंबर 2019 को किस विषय के साथ भ्रष्टाचार निरोधक दिवस मनाया गया? यूनाइटेड अगेंस्ट करप्शन। 9 दिसंबर 2019 को वर्ल्ड कबड्डी कप 2019 किसने जीता? भारत ने कनाडा को हराकर। ठीक है, नौ दिसंबर 2019 को वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने किस देश पर 4 साल का बैन लगा दिया? रूस। 10 दिसंबर 2019 को खेल मंत्री किरण रिजिजू ने किसे नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? सुनील शेट्टी को। 10 दिसंबर 2019 को किस विषय की थीम के साथ विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया गया? यूथ स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। 10 दिसंबर 2019 को किसे दुनिया के प्रमुख खेल पर्यटन स्थल के रूप में चुना गया है? अबू धाबी को। 10 दिसंबर 2019 को संपन्न 13वें दक्षिण एशियाई खेलों में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा है? याद रखना, भारत, कुल 312 पदक। 10 दिसंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत का स्थान है 129वां। 11 दिसंबर 2019 को 2002 में गुजरात में हुए दंगा में राज्य की भूमिका की जांच के लिए गठित किस आयोग ने की अंतिम रिपोर्ट गुजरात विधानसभा में पेश की गई? नानावटी मेहता आयोग। 11 दिसंबर 2019 को किस विषय थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया? माउंटेन्स मैटर फॉर यूथ। 11 दिसंबर 2019 को टाइम पत्रिका का पर्सन ऑफ द ईयर 2019 किसे घोषित किया गया? स्वीडन की ग्रेटा थुनबर्ग। 11 दिसंबर 2019 को किस युद्धपोत निर्माण कंपनी ने INLCU L-57 युद्धपोत भारतीय नौसेना को सौंपा है? तो यह कोलकाता स्थित गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड। 11 दिसंबर 2019 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किस प्रक्षेपण यान से नवीनतम रडार इमेजिंग भू पर्यवेक्षी उपग्रह रीसेट 2VRI का सफल परीक्षण किया है? तो यह PSLV C-48। 12 दिसंबर 2019 को जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2019 में भारत किस स्थान पर है? 9वें स्थान पर। 12 दिसंबर 2019 को किस देश ने
विश्व के पहले लिक्विफाइड हाइड्रोजन मालवाहक जहाज को औपचारिक रूप से लॉन्च किया है जापान ने। 13 दिसंबर 2019 को जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स सूची में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किस स्थान पर हैं? 34वें स्थान पर। प्रथम स्थान पर जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल है। ठीक है, फिर है 13 से 14 दिसंबर 2019 को भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 6वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में। 13 दिसंबर 2019 तक संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP25 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? स्पेन के मैड्रिड में। 13 दिसंबर 2019 को की गई घोषणा के अनुसार 107वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2020 का आयोजन 3 से 7 जनवरी तक कहाँ होगा? बेंगलोर में। 13 दिसंबर 2019 को भारत में स्पेन के फुटबॉल ला लीगा के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए? क्रिकेटर रोहित शर्मा। 14 दिसंबर 2019 को राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? कानपुर में। 14 दिसंबर 2019 को मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब किसने जीता? जमैका की टॉनी एन सिंह ने। 14 दिसंबर 2019 को विद्युत मंत्रालय के अधीनस्थ ऊर्जा का दक्षता ब्यूरो कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। ठीक है, याद रखिए। अगला होगा 15 दिसंबर 15 दिसंबर 2019 से वाहनों से पथकर टोल कलेक्शन वसूलने के लिए किस स्वचालित भुगतान व्यवस्था को लागू किया गया? फास्टैग। 15 दिसंबर 2019 को दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम का मुख्य कोच कौन नियुक्त किया गया? मार्क बाउच। 15 दिसंबर 2019 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। 15 दिसंबर 2019 को गोल्फ का प्रेजिडेंटस कप 2019 किसने जीता है? यूनाइटेड स्टेट्स टीम ने इंटरनेशनल टीम को हराकर। 16 दिसंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत की सिफारिश पर 11 मई को कौन सा दिवस घोषित किया है? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। 16 दिसंबर 2019 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय की नए सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला? रवि मित्तल। 16 दिसंबर 2019 को भारत नेपाल के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास सूर्यकिरण 14 का आयोजन कहाँ किया गया? नेपाल के रूपदेही जिले में। 16 दिसंबर 2019 को पाकिस्तान की विशेष अदालत ने राजद्रोह के मामले में किस पूर्व सैन्य शासक पर मौत की सजा सुनाई? परवेज मुशर्रफ। 16 दिसंबर 2019 को देश का कौन सा दिवस मनाया गया? विजय दिवस। 17 से 21 दिसंबर 2019 तक तानसेन समारोह का आयोजन किया गया ग्वालियर में, MP। ठीक है, 17 दिसंबर 2019 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया? पंडित विद्याधर व्यास। 17 दिसंबर 2019 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने किस सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण ओडिशा तट पर चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से किया? तो याद रखना ब्रह्मोस। इसकी क्षमता कितनी है? 400 किलोमीटर। 17 दिसंबर 2019 को जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर है? 112वें। 2019 वाले में 108वें स्थान पर था। 17 दिसंबर 2019 को जाने माने किस अभिनेता का निधन हो गया? डॉक्टर श्री राम लागू का। ठीक है, 17 दिसंबर 2019 को घोषित ICC वार्षिक पुरस्कार महिला 2019 के लिए के तहत सर्वश्रेष्ठ महिला T20 खिलाड़ी किसे चुना गया है? स्मृति मंधावा को। 17 दिसंबर 2019 को इंटरनेशनल
एस्ट्रोनॉमिकल यूनिवर्स ने किस बाह्य ग्रह का नाम भारतीय भौतिक शास्त्री विभा चौधरी के नाम पर विभा रखा है? HD 86081। दिसंबर 2019 को 18 दिसंबर 2019 को भारतीय नौसेना द्वारा किस एंटी हाईजैकिंग अभ्यास का आयोजन कोची पोर्ट के नज़दीक किया गया? अपहरण। 18 दिसंबर 2019 को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। को किन दो देशों के बीच दूसरा 2+2 वार्ता वॉशिंगटन में आयोजित की गई? भारत अमेरिका। 18 दिसंबर 2019 को नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी परिषद की 38वीं बैठक में सरकारी और निजी लॉटरी पर कितना प्रतिशत कर की समान दर तय की गई? 28%। 18 दिसंबर 2019 को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 के तहत हिंदी भाषा का पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? नंद किशोर आचार्य को, जिनकी रचनाएं छितले हुए अपने के लिए। ठीक। 18 दिसंबर 2019 को अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने किस पर महाभियोग चलाने की मंजूरी दी है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर। 29 से 24 दिसंबर 2019 तक भोपाल में आयोजित 63वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में महिला 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने कुल 4 स्वर्ण पदक जीते हैं? मनु भाकर ने। 19 से 24 दिसंबर 2019 तक के बीच कतर दोहा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन कप में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता? मीराबाई चानू ने। 19 से 20 दिसंबर 2019 को किस पुर्तगाली प्रधानमंत्री ने भारत की यात्रा की? एंटोनियो कोस्टा ने। 19 दिसंबर 2019 को जारी अधिसूचना के अनुसार 26 जनवरी 2020 से कौन दो केंद्रशासित प्रदेश एक केंद्रशासित प्रदेश में होंगे? दमन और द्वीप तथा दादर और नागर हवेली। 19 दिसंबर 2019 को तेलंगाना के प्रथम लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया? पूर्व न्यायाधीश सीवी रामलू। 19 दिसंबर 2019 को अमेरिका में प्रतिष्ठित नेशनल साइंस फाउंडेशन के निदेशक कौन चुने गए? सेतु रमन पंचनाथन। 19 दिसंबर 2019 को भारत ने किन दो मिसाइलों का संयुक्त प्रायोगिक परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर से किया? फिनाका और QRSAM। ठीक। 19 दिसंबर 2019 को वर्ष 2019 फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 की सूची में सबसे कमाई करने वाले शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया? विराट कोहली। 20 दिसंबर 2019 को वाणिज्य उद्योग मंत्रालय का शताब्दी वर्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। 20 दिसंबर 2019 को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। 20 दिसंबर 2019 को अफ्रीकी देश इथियोपिया के पहले रिमोट सेंसिंग किस उपग्रह को चीनी रॉकेट लॉन्च Mars-4B द्वारा विक्षेपित किया गया? ETRSS-1। आगे बात करते हैं। 21 दिसंबर 2019 को कतर की मेजबानी में फीफा वर्ल्ड कप 2019 किसने जीता? लिवरपूल ने ब्राज़ील के क्लब फ्लेमिंगो को हराकर। 21 दिसंबर 2019 को मुंबई नागपुर सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे अब किस नाम से जाना जाएगा? शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे साहब। 21 दिसंबर 2019 को क्यूबा के नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? मैनुअल मोरेरो क्रूज को। 21 दिसंबर 2019 को 8 पश्चिमी अफ्रीकी देशों ने अपनी साझा मुद्रा CFA फ्रैंक का नाम बदलकर क्या करने का फैसला किया? ईको। 22 दिसंबर 2019 को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय गणित दिवस। 20 दिसंबर 2019 को भारतीय ईरान संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तेहरान में।
20 दिसंबर 2019 को किसे अमेरिका में संघीय संचार आयोग की पहली महिला प्रमुख औद्योगिक अधिकारी नियुक्त किया गया? भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक डॉक्टर मनीषा घोष। 22 दिसंबर 2019 को फुटबॉल की नियामक संस्था फीफा ने वर्ष 2019 की सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल टीम से किसे सम्मानित किया है? बेल्जियम। अगला है, 23 दिसंबर 2019 को भारत में भारत पुरस्कार पाने वाले केरल राज्य के पहले बालक कौन बन गए? कोझिकोड के आदित्य। 23 दिसंबर 2019 को 66वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? गुजराती फिल्म हिलारो। 23 दिसंबर 2019 को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने किस खिलाड़ी को वर्ष 2019 की विश्व चैंपियनशिप पुरस्कार से सम्मानित किया है? ऑस्ट्रेलिया की टेनिस खिलाड़ी एसले वार्टी और स्पेन के राफेल नडाल को। 23 दिसंबर 2019 को देश भर में कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय किसान दिवस। 23 दिसंबर 2019 को झारखंड विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन ने कितनी सीटें जीती? 47। 24 दिसंबर 2019 को की गई घोषणा के अनुसार 29 जनवरी 2020 से भारत के विदेश सचिव का कार्यभार कौन संभालेंगे? हर्षवर्धन श्रृंगला। 24 दिसंबर 2019 को किस विषय के साथ राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया? उपभोक्ता शिकायत और विवाद के समाधान की वैकल्पिक प्रणाली। आगे बात करेंगे, 24 दिसंबर 2019 को भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ क्षेत्रीय स्तर के प्रदूषण से निपटने के लिए अभ्यास स्वच्छ समुद्र NW 2019 का आयोजन किया है? कच्छ की खाड़ी में वड़ियानार के समीप। 24 दिसंबर 2019 को देश का पहला किन्नर ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश में। 24 दिसंबर 2019 को केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने किन शहरों के बीच देश की पहली CNG बस सेवा की शुरुआत की है? दिल्ली और देहरादून। 25 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूजल के स्थायी प्रबंधन के लिए किस योजना का शुभारंभ किया है? अटल भूजल योजना। 25 दिसंबर 2019 को अटल बिहारी वाजपेयी की 95वीं जयंती पर रोहतांग सुरंग का नाम क्या करने का निर्णय लिया? अटल सुरंग। 25 दिसंबर 2019 को अटल बिहारी वाजपेयी के साथ किस महान शिक्षाविद और स्वतंत्रता सेनानी की जयंती मनाई? पंडित मदन मोहन मालवीय। 25 सितंबर 2019 को भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन को देश भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया? सुशासन दिवस में। आगे बात करते हैं, 26 दिसंबर 2019 को किसने वर्ष 2019 का यूनिसेफ पुरस्कार जीता? तेलंगाना के कामारेड्डी जिले ने। 26 दिसंबर 2019 को भारत के किस दिग्गज टेनिस खिलाड़ी ने 2020 में संन्यास लेने की घोषणा की है? ली एंडर पेस ने। 26 दिसंबर 2019 को सुशासन सूचकांक 2019 के अनुसार सुशासन के मामले में बड़े राज्यों में पहला स्थान है तमिलनाडु का। 26 दिसंबर 2019 को हिंदी के प्रसिद्ध किस साहित्यकार का श्रीलंका में सड़क दुर्घटना में निधन हो गया? गंगा प्रसाद विमल का। 27 दिसंबर 2019 को विजडन क्रिकेट ने दशक के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों की सूची में किसे शामिल किया? विराट कोहली जी को। 27 दिसंबर 2019 को किस लड़ाकू विमान को जोधपुर वायु सैनिक अड्डे से अंतिम विदाई दी गई? MiG-27, अन्य नाम है इसका बहादुर। 27 दिसंबर 2019 को राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव कहाँ किया गया? छत्तीसगढ़ के रायपुर में। 27 दिसंबर 2019 को किस देश ने लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट द्वारा सीजियान 20 नामक उपग्रह को प्रक्षेपित किया है? चीन ने। याद रखिए, चीन ने, ठीक। आगे होगा, 27 दिसंबर 2019 को भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण द्वारा किसको ईट राइट स्टेशन टैग से प्रमाणित किया गया?
मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल को 28 सितंबर 2019 को कर्नाटक टूरिज्म द्वारा आयोजित बेंगलुरु ओपन गोल्ड चैंपियनशिप 2019 का खिताब किसने जीता? अभिनव लोहान। 28 दिसंबर 2019 को की गई घोषणा के अनुसार केंद्र सरकार किस वर्ष डिजिटल रेडियो लॉन्च करेगी? 2024। 28 दिसंबर 2019 को रूस ने किस हाइपरसोनिक मिसाइल को सेना में शामिल किया है? ICBM अवनगार्ड मिसाइल को। 28 दिसंबर 2019 को भारतीय आर्थिक संघ के 102वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन हुआ है रायपुर में। 28 दिसंबर 2019 को देश ने गूगल और अमेजन जैसी बड़ी कंपनियों पर 2020 से 3% डिजिटल कर लगाने का निर्णय लिया है इटली ने। 28 दिसंबर को किस बैंक ने TAB के माध्यम से बचत बैंक खाता खोलने के लिए KBL एक्सप्रेस SB खातों का एक डिजिटल संस्करण लॉन्च किया है? कर्नाटक बैंक ने। 28 दिसंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा डिकेड इन रिव्यू रिपोर्ट में विश्व की सबसे प्रसिद्ध किशोरी किसे घोषित किया है? पाकिस्तान की नोबेल विजेता मलाला यूसुफजई को। 28 दिसंबर 2019 को किस राज्य सरकार ने वर्ष 2020 को सुशासन संकल्प के रूप में मनाने का निर्णय लिया? हरियाणा ने। 29 दिसंबर 2019 को झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री की शपथ किसने ली है? हेमंत सोरेन। 29 दिसंबर 2019 को ऑस्ट्रेलिया के किस तेज गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? पीटर सेडल। 29 दिसंबर 2019 को किस केंद्र शासित प्रदेश ने विद्युत वाहन नीति 2019 को मंजूरी दी है? दिल्ली ने। 29 दिसंबर 2019 में गूगल पर भारत के सबसे अधिक खोजे जाने वाले बिजनेस टाइकून के रूप में कौन उभरे? टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा। 29 दिसंबर 2019 को वर्ष 2018 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं अमिताभ बच्चन जी। ठीक है। 29 दिसंबर 2019 को विश्व महिला रैपिड शतरंज चैंपियनशिप की विजेता कौन बनी? कोनेरू हम्पी। ये उपविजेता है लेई टेंगजी। 30 दिसंबर 2019 को वर्ष 2019 के सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? कृष्ण श्रीकांत एवं अंजुम चोपड़ा को। 30 दिसंबर 2019 को शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के CMD के रूप में किसे ने कार्यभार संभाला? HK जोशी। 30 दिसंबर 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्रिपल तलाक पीड़ितों के लिए कितने रुपये की वार्षिक पेंशन की योजना शुरू की है? 6,000 रुपये। 30 दिसंबर 2019 को भारतीय रेलवे ने रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर क्या कर दिया? भारतीय रेल सुरक्षा बल सेवा। 30 दिसंबर 2019 को नीति आयोग द्वारा जारी भारत के विकास लक्ष्य सूचकांक 2019 में कौन सा राज्य सबसे ऊपर है? केरल। 30 दिसंबर 2019 को किस महिला ने सबसे लंबी स्पेस फ्लाइट का रिकॉर्ड बनाया? क्रिस्टीन कोच। 30 दिसंबर 2019 को वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा 16वीं भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश के कुल कितने वन और वृक्षारोपण हैं? 8,07,276 वर्ग किलोमीटर। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.56%। 31 दिसंबर 2019 को किस मंत्रालय ने रोजगार प्रदाताओं तथा कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए संतुष्ट नामक पोर्टल लॉन्च करने का निर्णय लिया है? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। 31 दिसंबर 2019 को 28वें थलसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार किसने संभाला? जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने। ठीक है, तो याद रखिए, ये था हमारा 2 दिसंबर 2019 के करंट